हाय गाइस, नमस्ते. वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे. हम लोग करने जा रहे हैं एक फ्रेश अपडेट, फ्रेश एनर्जी अपडेट विद कैंडल वैक्स रीडिंग. आपको क्या करना है, सिर्फ अपने पर्सन के चेहरे पर आपको फोकस रखना है और उनके नेम को 3 बार अपने मन में रिपीट करना है. उनकी एनर्जीज पर टैप इन करने के लिए डिविनेशन वाटर जो है हमारा रेडी है, एंड आई हैव ऑल्सो चार्ज योर कैंडल. थोड़ा सा इसको हम और क्लेंस कर लेते हैं. ओके, चलिए देखते हैं आज के दिन में डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है. आपके पर्सन इस समय पर आपके लिए क्या सोच रहे हैं. महादेव प्लीज गाइड करें. ओके, सबसे पहला इंडिकेशन जो आ रहा है यहाँ पे, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का आ रहा है. आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं. जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं, ये पर्सन इस समय पर आपसे कहीं दूर लोकेटेड हैं, या कहीं दूर हो सकता है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं. ओके, आपके जो पर्सन है गाइस, ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या फ्यूचर में इनको आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन लेना है वो प्लानिंग या वो थिंकिंग जो है इस टाइम पर इनके मन में चल रही है. यहां पर एक इंडिकेशन जो है वो फ्रीडम से जुड़ा हुआ भी आ रहा है. ऐसा लग रहा है ये पर्सन फ्री होना चाह रहे हैं, या ये बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं. डेली का इनका जो स्केड्यूल है वो शायद काफी ज्यादा बिजी है, और थोड़ा सा समय ये अपने आप को और आपको देना चाहते हैं, या आपके कनेक्शन को ये थोड़ा सा टाइम और थोड़ी थोड़ा एफर्ट देना चाहते हैं. अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो ये इंडिकेशन हो सकता है थर्ड पार्टी से फ्रीडम चाहते हैं. एक मुझे रास्ता बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पर्सन शायद आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटली. स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं. आपके और इनके फ्यूचर के लिए ये डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ में. महादेव प्लीज गाइड करें. मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं. गाइज, मुझे यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो भी इंसान है, इनमें और आप में किसी तरीके का कोई डिफरेंस है. ये एज गैप हो सकता है, ये कोई रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है. कई लोग मैरिड पार्टनर्स के लिए भी देख रहे हैं, और यहां पे मुझे एक डाइवोर्स सिचुएशन भी दिखाई दे रही है. या तो डाइवोर्स ही है या डाइवोर्स होने का इंतजार कर रहे हैं. मे बी फ्रीडम का मैसेज इसीलिए आया है. आपके डाइवोर्स या अपने डाइवोर्स का इंतजार कर रहे हैं. थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस कब खत्म होगा इनकी लाइफ पर, उस चीज के बारे में ये सोच रहे हैं. वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल बटरफ्लाई ओवर हियर, सो इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो रही हैं. अगर तो ये नेगेटिव सोच रहे थे आपके बारे में, तो वो नेगेटिव थॉट्स इनके मन से खत्म होते जा रहे हैं. ओके, एंड आज के टाइम में, इस समय में मैं देख रही हूं कि इनको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है अपने इमोशंस को लेकर के, कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्यों फील करते हैं. कुछ सवाल इनके मन में उठते थे, वो आंसर्स, वो क्लैरिटी इनको आज के समय में, इस समय में मिलती हुई दिखाई दे रही है. अननेसेसरी के इनके जो फियर्स हैं, बेकार के जो इनके डर हैं फ्यूचर को लेकर के, वो फियर इनके खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ईविल आई शायद लगी हुई है, आप लोगों के कनेक्शन को नजर लगी हुई है. तो नेगेटिविटी रिमूवल करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा नेसेसरी है, अपनी भी और अपने पर्सन की भी करें. ठीक है, नजर लगी हुई है, नजर दोष को रिमूव करना पड़ेगा. नजर की वजह से अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं काफी सारे लोगों के कनेक्शन में. अगर इशू है तो उसका जो रूट कॉज है वो ईविल आई है. एंड ईविल आई का क्या होता है कि कई बार लोग जानबूझ करके
इवल आई कास्ट करते हैं एंड समटाइम्स दे डोंट इवन नो. कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता है और उनकी ईविल आई जो होती है वो सामने वाले पर्सन को हार्म कर जाती है. आप में से मैक्सिमम लोगों के कनेक्शन में, मैक्सिमम लोगों के रिश्ते में जो ईविल आई आ रही है ये डेलिबरेट नहीं है, यानी कि ये जानबूझ करके कोई कास्ट नहीं कर रहा है. सो सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको आप जितना ज्यादा छुपा करके रखें उतना अच्छा है. आपकी खुशी जो है, आपका प्यार जो है, एक तरीके से आपकी लाइफ में, योर हैप्पीनेस इज योर ट्रेजर, आपका खजाना है वो एक तरीके से. तो वो हर किसी के साथ में ना बांटे, क्योंकि नॉट एवरी वन विल बी हैप्पी. हर कोई आपको खुश देख के खुश नहीं होगा. सो अपने सिचुएशन के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, रिश्ते के बारे में सिर्फ उन्हीं को बताएं जिनको आप जानते हो कि वो अगर उनको वो सुनेंगे या उनको पता चलेगा तो वो उदास नहीं होंगे या वो ईविल आई नहीं देंगे आपको. ठीक है, हर किसी से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको डिस्कशंस नहीं करने हैं. ये आप लोगों के लिए सजेशन आ रहा है, बिकॉज अननोइंगली कोई ईविल आई कास्ट कर रहा है. सेम गोज फॉर योर पार्टनर ऑल्सो. आपको भी नहीं करना है और आपके पर्सन को भी नहीं करना है. यहाँ पे थोड़ी सी सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है. आपके पर्सन के पास्ट के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं या कोई थॉट आया है रिसेंटली उनके मन में जो कि उनके पास्ट से जुड़ा हुआ है, और ये कोई ऐसी बात है जो इनको बहुत ज्यादा पिंच करती है. इवन आज के टाइम में ये बहुत हर्ट हो जाते हैं एंड ये बात इन्होंने जो है आपसे शेयर नहीं किया है. यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो ये रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो एकदम एंड हो गया है या एकदम खत्म होने वाला है. कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पता नहीं. नेक्स्ट टाइम कन्वर्सेशन होगी भी या नहीं होगी. ट्रस्ट मी, आपके पर्सन जो है वो भी कुछ समय पहले तक ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है इनके माइंड में और ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं. संडे को कई लोगों की कन्वर्सेशन होने वाली है. संडे को कई लोगों की इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन होने वाली है, 1 बजे, 11 बजे, 10 बजे. ठीक है, मॉर्निंग भी हो सकता है और नाइट टाइम भी हो सकता है. सम इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई है जिनका बर्थडे नवंबर में है, 11 नंबर क्लिक हो रहा है बहुत ज्यादा और सन की एनर्जी भी आ रही है. सो देर इज ऑल्सो यिन एंड यांग एनर्जी, दोनों के जो इमोशंस हैं, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है. आपके पर्सन जो है उनको डिवाइन की तरफ से हीलिंग मिल रही है और ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में कुछ सुधार करने के बारे में भी सोच रहे हैं. ये जानते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट होगा तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो आपके और इनके रिश्ते के ऊपर भी पड़ेगा. मुझे यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ प्रूव करना चाहते हैं, कोई बात आपको बताना चाहते हैं, कुछ जताना चाहते हैं. आपने कुछ बात इनसे कही है और उस बात को ये आपको शायद गलत प्रूव करना चाहते हैं. कुछ ऐसा आपने बोला है जो सुन के इनको हर्ट हुआ है एंड दे वॉन्ट टू प्रूव यू रॉन्ग कि ऐसा नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो या आपने जैसा बोला है वैसा नहीं है. मेरी सच्चाई कुछ और है, मेरा ट्रुथ जो है वो कुछ अलग है. या आपने कुछ धारणा अपनी बना ली है अपने मन में इनकी पर्सनैलिटी को लेकर के जिसको ये गलत प्रूव करना चाहते हैं, या ये अपनी पर्सनैलिटी का एक दूसरा साइड, अपना एक दूसरा फेस भी आपको दिखाना चाहते हैं. डजंट मीन कि ये इंसान डबल फेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन डबल फेस्ड है. हम सभी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं. आपकी पर्सनैलिटी पेरेंट्स के सामने अलग होगी, फ्रेंड्स के साथ में अलग होगी, हस्बैंड वाइफ के साथ में अलग होगी, ऑफिस में अलग होगी. तो ऐसी मल्टीपल पर्सनैलिटीज, हैबिट्स, नेचर्स होते हैं इंसान के. तो कुछ ऐसे डिफरेंट अपनी पर्सनैलिटी साइड ही आपको शो करना चाहते हैं. मे बी आप इनका बहुत ज्यादा शैडो सेल्फ देख चुके हो, इनके नेगेटिव ट्रेट्स आप बहुत ज्यादा देख चुके हो और आपने ये सोच लिया है कि ये इंसान बुरा ही है या ये बुरा ही कर सकते हैं या ये लाइफ में कोई सही डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं. शायद इस बात को ये गलत प्रूव करना चाहते हैं.
कई लोगों के पर्सन उनको ये दिखाना चाहते हैं कि वो जिम्मेदार हैं, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, और वो अपनी और दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू विन योर ट्रस्ट अगेन, ये आपका जो विश्वास है उसको भी जीतना चाहते हैं दोबारा से। शायद इन्होंने आपको पास्ट में लेट डाउन किया है, इनके किसी कर्मा की वजह से आपको जो है बुरा फील हुआ है, उस फीलिंग को ये ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ये जानते हैं कि चीजें पास्ट में नहीं चली जाएंगी, पास्ट दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता, जो ये कर चुके हैं उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, बट आगे के लिए ये क्या कर सकते हैं। ओके, वो थॉट इनके माइंड में चल रहे हैं। रीडिंग की शुरुआत ही हुई थी, फ्यूचर में ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो विचार उस तरीके का थॉट प्रोसेस जो है इनका अभी के टाइम में चल रहा है। इंट्यूटिवली इस समय पर जो मैं देख पा रही हूं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस टाइम पर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या अभी 2-3 घंटे कहीं गाड़ी में थे या बस वगैरह में थे, किसी व्हीकल में थे और वो व्हीकल मूव कर रहा था और ये कहीं पहुंचने वाले थे। मे बी शायद ऑफिस जा रहे होंगे या जो भी कहीं मे बी हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं से ये वापस आ रहे हैं, कहीं ये गए हुए थे वहां, शायद वहां से ये वापस आ रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने जो रीडिंग करी थी आई गेस उसमें मैसेज आया भी था कि 2 दिन के बाद कुछ ट्रैवल आ रहा है इनका। सो मे बी आर राइट नाउ दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग। दूसरा मैं ये देख रही हूं कि ये इंसान अभी जहां पर भी है ये अकेले नहीं है, ये कहीं बैठे हुए हैं एंड देर इज समवन एल्स सिटिंग विद देम, कोई इनके साथ में बैठा हुआ है और ये काम की या लाइफ की किसी जरूरी चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, किसी ऐसे मैटर के बारे में इस टाइम पर ये बातचीत कर रहे हैं जो इनके लिए जरूरी है। अगर ये घर पे हैं, आप ये रीडिंग अगर रात के टाइम में देख रहे हो और ये पर्सन अभी इस टाइम पर अपने घर पर हैं या कहीं रेस्ट कर रहे हैं, तो ये फोन पर बिजी हैं और अपने किसी क्लोज फ्रेंड से या अपने किसी कजन से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि एल्डर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे ये। दिस इज समवन ऑफ देयर ओन एज, तो ये इनके कजन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है जिनसे ये बात कर रहे हैं अपने काम के बारे में, करियर के बारे में, लाइफ के बारे में। कुछ हंसी मजाक भी ही चल रहा है इनका, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लो फील कर रहे थे और अभी इस सामने वाले पर्सन से बात करके इनको अच्छा लग रहा है, इनका माइंड जो है वो रिलैक्स हो गया है, थोड़ा सा शांत हो गए हैं। किसी के पर्सन जूते लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन जो है मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ बाइंग सम फुटवेयर फॉर देम सेल्फ, हो सकता है वॉक शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, या ऑफिस के लिए नए शूज परचेज करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, एंड मे बी जिम वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं, या ये जिम एंथुजियास्ट भी हो सकते हैं। ध्यान इनका जो है फिलहाल पिछले कुछ टाइम से कुछ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर जा रहा है, जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है आप लोगों के पार्टनर्स की, ऐसा लग रहा है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, या सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इनको बहुत ज्यादा एक्टिव हो करके रहना पड़ रहा है। सो इस एक्टिव लाइफस्टाइल में, इस एक्टिव टाइम में ये कैसे अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं, उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। एंड आई थिंक कोई एक या दो लोग होंगे जिनके पर्सन जो है वो एक्चुअली शूज परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या शायद शूज परचेज करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे, और ये बहुत ही हटके मैसेज आया है, यूजुअली ऐसे मैसेजेस आते नहीं है, मेरी जो रीडिंग्स होती हैं ज्यादातर स्पिरिचुअल होती हैं, एनर्जी बेस्ड बात करती हूँ मैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक पर्टिकुलर सा मैसेज निकल के आया है आप लोगों के लिए। ठीक है महादेव, प्लीज बताएं। दूसरा मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके आपकी कहीं कोई छाप ढूंढ रहे हैं, या आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट, कोई चीज जो आपने इनके साथ में एक्सचेंज करी है उसको देखा है इन्होंने रिसेंटली, या कोई पुरानी फोटो है, समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू यू, जो आपसे जुड़ी हुई है, उस चीज को इन्होंने अभी देखा है और ये आपकी एनर्जी को फील करने की कोशिश कर रहे हैं, या पास्ट में जिस मोमेंट पर वो गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है या जिस मोमेंट पर वो फोटो क्लिक की गई है उस टाइम के बारे में ये सोच रहे हैं। उस टाइम पर ये क्या सोच रहे थे, उस टाइम पे क्या फील कर रहे थे, आप लोग कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया, जो भी एक्टिविटीज थी उस टाइम पे, वो सारी चीजें इनके माइंड में आ रही हैं। ऑल राइट, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। काफी सारे मैसेजेस निकल के आए हैं, एक बड़ा फनी सा मैसेज भी निकल के आया है आज की रीडिंग में।
आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आप अपने पर्सन की एनर्जी समझ पाए हो और एज अ मीडियम जो भी मैसेजेस थे डिवाइन की तरफ से वो मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ। अगर इस रीडिंग से आपकी कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज एज एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।